उरण तालुका अंतर्गत वेशवी गांव में मंगलवार को पदाजी पांडुरंग मुंबईकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। पनवेल महानगर पालिका के विपक्षी नेता प्रीतम मात्रे ने इस विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उरण तालुका अंतर्गत वेशवी गांव के वरिष्ठ समाज सेवक स्वर्गीय पदाजी पांडुरंग मुंबईकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जे एम मात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही पदाजी पांडुरंग मुंबईकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मंगलवार को आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पनवेल महानगर पालिका के विपक्षी नेता प्रीतम मात्रे के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम के लिए स्कूल कमेटी चेयरमैन चंद्रकांत मुंबईकर, स्कूल के प्रिंसिपल प्रीतम टकले आदि सहित स्कूल के सभी कमेटी मेंबर्स, अध्यापक, अभिभावक एवं स्कूल के विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए प्रीतम मात्रे ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी का रुझान इंटरनेट और विज्ञान की तरफ ज्यादा है। ऐसे में स्कूल के विद्यार्थियों ने जो वैज्ञानिक प्रकल्प बनाए हैं उससे उनके अंदर की विज्ञान प्रतिभा का पता चलता है। कल को यही नन्हे वैज्ञानिक हमारे देश का भविष्य बनाएंगे, ऐसा प्रतिपादन प्रीतम मात्रे ने किया। परंतु त्याचा आनंद जास्त तुम्हाला होत असेल आणि खरोखर हे आज आपला देश पुढे जात असताना या चिमुकल्यांचीच खरी गरज आहे। म्हणून मी मुद्दामून शब्द आज तुमच्या आधी चिमुकला हा वापरलाय, कारण तुम्ही जेव्हा हे मनापासून कराल त्यावेळेस ते पुढे जाणार आहे आणि आपल्या देशाला आणि आपल्या एरियाला आपल्या तालुक्याला पुढे देणार आहे। तर आपण खूप मन लावून हे जे एक्झिबिशन आपण करतात आपण मन लावून करायचं, नुसतं अभ्यास केला पाठांतर करून असं नाही चालत, इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक प्रकल्प का जायजा लिया। And the train light, fan, bulb, every electric purposes we can use for that energy. And remaining energy is go using this aluminium plate and copper wire in the battery. And this battery power we can use for whole railway platform. And from if the government take this project, then we can give this electricity to maybe industries and factories. Our project name is Household Waste Management. Household Waste Management is a very big problem in the front of government. If we reduce some weight garbage in our home level, then the some dispose of weight garbage. We get natural gas from cooking, manufacture of garden, from the use of save water. We need for this project weight garbage dusting, dry garbage dusting, pipeline, purified water plant and biogas plant. Every day through our use of plastic bags, cans, water bottle, paper, kitchen waste, etc.